हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन की रेसिपी। चाउमीन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चाउमीन को बॉईल करने के लिए रखा है और उसमें से एक्स्ट्रा पानी हम लोग बॉईल होने के बाद ड्रेन करके पानी को से धो लेंगे। फिर यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब मैंने इसमें स्लाइस किया हुआ ऑनियन डाल दिया है। ऑनियन को हम अब भून लेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे फ्रेंड्स। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। मेरे पास बारीक जिंजर गार्लिक नहीं था इसलिए मैंने पेस्ट डाल दिया है फ्रेंड। यहाँ हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक को अच्छे से मिला के अब मैंने इसमें शिमला मिर्च को स्लाइस किया हुआ डाल दिया है, बारीक चॉप किया हुआ ये शिमला मिर्च है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी देर पकने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा फ्रेंड। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ गाजर डाल रही हूँ फ्रेंड, इसको अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे। गाजर को थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया है फ्रेंड, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ फ्रेंड स्वाद के अनुसार। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। अब इसमें काली मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें सोया सॉस डाल देंगे फ्रेंड, थोड़ा सा सोया सॉस डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। अब मैं इसमें टोमेटो केचप डाल रही हूँ फ्रेंड। मैंने इसमें मैगी का टोमेटो केचप डाला है, स्वीट एंड सार वाला जो होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। अब हम इसमें चाउमीन डाल देंगे फ्रेंड। चाउमीन डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है फ्रेंड। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस ये देखिए फ्रेंड, एकदम अलग अलग बिना चिपके हुए ये बना है, बिल्कुल अलग अलग है, बहुत अच्छे से बना है फ्रेंड।
ये अच्छे से कुक हो गया फ्रेंड, हमारा चाउमीन जो है वो रेडी हो गया है। फाइनली ये रेडी हो गया है फ्रेंड, और देखिए कितना अच्छा और डिलीशियस लग रहा है। अब इसको सर्व करते हैं फ्रेंड, चलिए इसको सर्व करते हैं। मैंने इसे सर्व कर लिया फ्रेंड, बिना स्टिकी है ये, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है। और देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। और ये घर का बना हुआ है इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है फ्रेंड, आप भी बनाइए और खाइए और खिलाइए अपने परिवार वालों।